शाजापुर के सलसलाई थाना अंतर्गत चौकी मुरादाबाद पीड़ित परिवार आजाद थाने पहुंचा। शाजापुर जहां पर उन्होंने थाना प्रभारी को उनके साथ में हुई मारपीट एवं छेड़छाड़ करने वालों के विरुद्ध आवेदन दिया है। वहीं थाना प्रभारी ने कहा कि पार्थी के बयान को लेकर जांच जारी है। वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि उनके साथ में उनके गांव के लोगों ने मारपीट एवं महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया है, लेकिन सलसलाई थाना पुलिस ने मामूली धारा 151 में प्रकरण दर्ज कर आरोपी को बचा दिया है। प्रार्थी पीड़ित परिवार ने बताया कि सलसलाई थाना प्रभारी के द्वारा मामूली प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। पीड़ित परिवार ने न्याय के लिए गुहार लगाई है। हमारे वहाँ पे हमारे सामने है, हम लोग वहाँ से हिटते हैं तो रोज लड़ाई करते हैं हमारे से, चौकी मुरादाबाद। अच्छा, वहाँ के थाने पे गए थे आप? हाँ गए थे। क्या कुछ आश्वासन दिया गया वहाँ से आपको? वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं सुनी हमारी। अच्छा, उसके बाद आज आप यहाँ पे आए हैं? हाँ। यहाँ से क्या बोला गया? यहाँ से बोला गया कि वहाँ पे लिख लिए और 100 की धारा लगा दी है। हम है ना, तो हमारी समस्या ये लेके आए कि हमारा आदमी है ना तो बकरी लेके नहीं खेत में जा रहे थे चराने के लिए, तो सुदेश मेवाड़ा है ना तो उसने रास्ता रोक दिया उनका, और लकड़ी लेके नहीं है ना तो मारने तैयार हो गया। मेरी बहू गई छोड़ाने तो वो है ना तो मेरी बहू का हाथ है ना तो पकड़ लिया और उसने दो एक झापट दिए घोड़े पे फेंक दिया बहू को, और फिर उसको मैं बहू को बचाने गई तो उसकी औलत ने और उसकी बहू ने उसकी लड़की ने मुझे भी मारा, और फिर है ना तो जुमा झटकी भी खूब उसकी उसने सुदेश ने भी, और इसके बाद में फिर उसके परिवार के आ गए छुड़ाने, और फिर है ना तो हमारे इधर से भी दो भाइयाँ आ गई थी, फिर उन लोगों ने अलग अलग किया। मीना भाई ना दुर्गा भाई, अब आप क्या चाहते हैं? हमें ये चाहते हैं कि उसको है ना तो कार्रवाई करी जाए कड़ी से कड़ी। शाजापुर से दिलीप सौराष्ट्र की रिपोर्ट।